बाहुबलीपुर गांव के जंगल में सुंदरी कव्वी एक ठेले में चिकन बेचा करती थी। उसकी दुकान से उसे बहुत फायदा होता था क्योंकि उसकी चिकन का ठेला बहुत अच्छे से चलता था और ग्राहकों की हमेशा से भीड़ लगी रहती थी। उसकी कमाई इतनी थी कि वो उन पैसों से छोटे घोंसले से एक बड़ा घर खरीद ली। उस दिन से उसको बहुत घमंड हो गया। एक दिन उसकी दुकान में एक ग्राहक आया। दीदी, एक प्लेट चिकन देना तो और हिसाब खाते में लिख लेना, मैं हमेशा की तरह तुम्हें महीने के आखिर में पैसे दे दूंगा। तो सुंदरी बोलती है, कैसा हिसाब? आज से उधार बंद। और हाँ, अब से चिकन 30 रुपए प्लेट नहीं मिलेंगी बल्कि 50 रुपए प्लेट मिलेगा, समझे कि नहीं? तो हरिया कहता है, अरे सुंदरी दीदी, आप ऐसे कैसे बात कर रही हो? मैं तो आपका रेगुलर ग्राहक हूँ, आपको पैसे दे तो देता हूँ ईमानदारी से। तो सुंदरी बोलती है, तुम कैसे गरीब लोगों को सस्ते दामों में चिकन बेचकर मैं गलती करती थी, अब पहले पैसे रखो फिर चिकन खाना। इस तरह से सुंदरी बहुत घमंडी हो चुकी थी और वो गरीब ग्राहकों से पहले पैसे रखवाती थी, बाद में उन्हें चिकन देती थी। जब अमीर ग्राहक आते हैं तो उनसे बहुत अच्छे से बात करती थी। सुंदरी को पता था कि जंगल के पक्षियों के पास और कोई चिकन की दुकान नहीं है जहां वो चिकन खाने जा सके, इस बात का वो फायदा उठाती थी। फिर कुछ महीनों बाद उसकी दुकान के सामने पीलू चिड़िया अपना चिकन का ठेला खोलती है। उसकी दुकान चलती देखकर सुंदरी उससे झगड़ा करने के लिए जाती है। पीलू चिड़िया, तुम मेरे ठेले के सामने चिकन क्यों बेच रही हो? कहीं और जाकर बेचो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। तो पीलू कहती है, सुंदरी दीदी, इंटरनेशनल विमेंस डे आने वाला है, इसलिए मुझे लोन मिला नया काम शुरू करने के लिए। मैं बहुत गरीब चिड़िया हूँ, तुम्हारे सामने मेरी क्या औकात है? वैसे भी मेरे कारण तुम्हें ही ज्यादा फायदा होगा क्योंकि मेरे चिकन ऑर्गेनिक है, तुम्हारी ज्यादा बड़ी पुरानी दुकान है, मैं नई हूँ और मुझे लोन भी चुकाना है। पीलू की बातें सुनकर सुंदरी वहाँ से चली जाती है। पीलू अपने ग्राहकों से बहुत अच्छे से बात करती थी जबकि सुंदरी बहुत घमंड से। जल्द ही पीलू की दुकान में भीड़ लगनी शुरू हो जाती है क्योंकि वो चिकन को सिर्फ 15 रुपए में बेचा करती थी। इंटरनेशनल विमेंस डे के लिए गांव में एक नोटिस जारी होता है कि जो चिड़िया अच्छा खाने की चीज बनाती होगी उसे इनाम मिलेगा। तो सुंदरी कहती है, ये पीलू तो बहुत ही टैलेंटेड है, इंटरनेशनल विमेंस डे कहीं ये जीत न जाए, मुझे इसकी दुकान बंद करवानी होगी, इसकी दुकान से ग्राहक भगाने होंगे। मैं अपना दाम कम नहीं करूंगी, लेकिन मैं अपने चिकन का साइज ऐसा बड़ा करूंगी कि लोग देखते रह जाएंगे, चिकन में केमिकल इंजेक्शन लगाकर उनका साइज बढ़ा दूंगी। फिर ऐसा सोचकर सुंदरी अपने घर में चिकन में इंजेक्शन लगाकर उन्हें बड़ा कर देती है और मन ही मन बहुत खुश होती है। और सुंदरी अपनी दुकान में ग्राहकों को बुलाना शुरू करती है, जंबो चिकन ले लो, जंबो चिकन, इतने बड़े चिकन कभी नहीं खाए होंगे, जंबो चिकन, जंबो चिकन। जंगल के पक्षी सुंदरी की आवाज सुनकर उसकी दुकान की तरफ भागने लगते हैं और चिकन का साइज देखकर चौंक जाते हैं और सिर्फ कुछ ही मिनट्स में सुंदरी की जंबो चिकन बिक जाते हैं। देखा पीलू चिड़िया, मुझसे पंगा लेने का नतीजा, अब इंटरनेशनल विमेंस डे मैं ही जीतूंगी। कुछ दिनों बाद इंटरनेशनल विमेंस डे आता है और 3 चिड़िया जजेस पीलू और सुंदरी के ठेले पर आते हैं। वो पहले सुंदरी के बनाए हुए जंबो चिकन का स्वाद चखते हैं, लेकिन तभी चिकन खाते ही वो लोग उल्टियां करने लगते हैं। अरे ये क्या, इन्हें तो उल्टियां हो रहे हैं। तो पीलू कहती है, सुंदरी तुमने इन चिकन में क्या मिलाया है जिससे जजेस की तबीयत खराब हो गई? सुंदरी बोलती है, अरे वो। इसके पहले सुंदरी कुछ बोल पाती सभी पक्षी उसको घेर लेते हैं। जज जाबाज बोलता है, सुंदरी एक केमिकल से बड़े किए हुए चिकन है, तुम लोगों को बीमार करने का काम कर रही हो, तुम्हें फाइन लगेगा। पीलू चिड़िया, तुम इंटरनेशनल विमेंस डे की विजेता हो। पीलू को इनाम देकर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर
सुंदरी, तुम हमसे इतना सारा पैसा लेती हो चिकन का, लेकिन चिकन के नाम पर ये जहर बेच रही हो। वो पीलू कम दाम में भी हमें स्वादिष्ट और सेहतमंद चिकन खिलाती है। ऐसे टिल्लू बोलता है तो बबलू कहता है, तुम्हारे चिकन का जंबो साइज देखकर हम लालच में आ गए और उन्हें खाकर जजेस की हालत ऐसी हो गई जैसे वो बीमार हो गए। अब तुम्हें इसका हर जाना भुगतना होगा। ऐसे कहकर सभी पक्षी सुंदरी को पुलिस के हवाले कर देते हैं। पीलू पूरी ईमानदारी के साथ स्वादिष्ट चिकन बेचना जारी रखती है और जंगल वाले उसकी बहुत तारीफ करते हैं। अब जंगल में बस उसी की चिकन की दुकान थी। सुंदरी अपने लालच के कारण सजा भुगत रही थी। पीलू और बाकी लोग अब हंसी खुशी रहने लगे। नागपुर में बबलू नाम का कबूतर रहता था। वो जुगाड़ से कोई भी सामान बनाने का हुनर रखता था। जैसे अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक सामान को जोड़कर वो टीवी बना लेता था, कुछ बॉटल जोड़कर वाटर फिल्टर तैयार कर लेता था। उसकी माँ पीलू एक मजदूर थी और उसको कमाई करने के बारे में अक्सर बोला करती थी, बेटा बबलू तू इतना सब बनाता है लेकिन इन सब सामान से हमारी आमदनी नहीं होती है, तो कुछ काम कर जल्दी से। माँ, मैं जहाँ भी काम मांगने जाता हूँ वो मुझे काम नहीं देते हैं। लेकिन माँ, तुम सही कह रही हो, आखिर मैं कब तक तुम पर बोझ बनकर रहूँगा? मैं काम शुरू करूँगा माँ। हाँ बेटा, तू बहुत समझदार है, क्योंकि मेरी जितनी आमदनी है उतना तो घर खर्च किराया देने में ही चला जाता है, बाकी घर के लिए हम कुछ पैसे जमा नहीं कर पा रहे हैं। आजकल तो तुम जैसे पढ़े लिखे को कोई काम नहीं देता है, ये भी अजीब बात है। माँ, मुझे कुछ दिन और दो, तुम जरूर एक दिन मुझ पे गर्व करोगी। भगवान करे वो दिन जल्दी आए बेटा, मुझे तेरी शादी करके घर में बहू भी लानी है। इस तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं। बबलू यहाँ वहाँ काम के लिए भटकता रहता था लेकिन उसे कोई काम नहीं देता है। वो मजबूरी में मैकेनिक बन जाता है और लोगों की मोटरसाइकिल या फिर बिजली के सामान सुधारने लगता है। एक दिन, बबलू, ओ बबलू, कहाँ हो? हाँ माँ, क्यों आवाज दे रही हो, बताओ क्या काम है? बेटा, लगता है घर में बिजली चली गई है, जरा देखो तो। ये गर्मी के मौसम में गांव में बिजली बहुत जाती है ना माँ, तो इसका भी कुछ जुगाड़ निकाल ले बेटा, बहुत अच्छा रहेगा। बबलू कुछ सोचने लगता है और फिर वो अगले दिन शहर जाकर कुछ सामान लेकर आ जाता है। फिर बबलू उस सामान को जोड़ लेता है, वो एक सोलर बैटरी सेल तैयार कर लेता है और अपने घर में लगाता है। अरे वाह बेटा, ये क्या किया है तूने कि पूरी महल में बिजली नहीं है लेकिन अपने यहाँ है। माँ, मैंने सोलर सेल तैयार किया हूँ, इससे बहुत ही कम दामों में हमें घर में बिजली मिल जाएगी। तो बेटा, क्या तू इसे पूरे गांव वालों को बेचेगा? माँ, गांव वालों ये इसके लिए पैसे नहीं देंगे लेकिन एक चीज के लिए वो पैसे जरूर देंगे। फिर बबलू सोलर सेल को एक पुरानी मोटरसाइकिल में फिट कर देता है और एक सोलर बाइक तैयार कर लेता है। फिर बबलू पीलू को सोलर मोटरसाइकिल दिखाता है। माँ, ये देखो, है ना कमाल की चीज। अरे बेटा, क्या इसको पेट्रोल नहीं लगेगा? ये सोलर बाइक कौन चलाएगा? तभी वहाँ सुंदरी आती है। अरे पीलू, ये बबलू ने तो ऐसी मोटरसाइकिल बनाई है कि सब इसे देखते ही रहेंगे। देखते ही रहेंगे और चलाएंगे भी सुंदरी का की। थोड़े दिनों में बबलू सोलर बाइक्स बनाने शुरू कर देता है। इसी बीच दूसरे जंगल से कालू कौवा आता है। वो पक्षियों की पुरानी मोटरसाइकिल चोरी करता था, दिन हो या रात किसी की भी बाइक चुरा लेता था। घर से या बाजार से वो बाइक चुराने में कामयाब हो ही जाता था। भाइयों, हमारे बाइक्स रोज चोरी हो रहे हैं, क्या करें? वह चोर तो मेरे पिताजी की आखिरी निशानी वाली बाइक भी चुरा कर ले गया। मैं तो दूध वाला हूँ, मेरी भी मोटरसाइकिल चुरा लिया, मेरा तो
धंधा ही चौपट हो गया। लगता है ये काम काल कव्वे का है, एक बार हाथ लग जाए तो मैं उसकी पिटाई कर दूंगा। लेकिन इतने दिनों में तो वो सारे जंगल की बाइक्स चुरा लेगा और किसी के पास मोटरसाइकिल बाइक्स नहीं बचेंगे। मैंने तो अभी अभी बाइक का बिजनेस शुरू किया हूँ। बट ये बाइक चोर को जो कोई भी पकड़वाने में मदद करेगा, मैं खुद उसे 50,000 का इनाम दूंगा। कालू चोर ये सब दूर बैठकर सुन रहा था। ये मुझे कैसे पकड़ेंगे, मैं इनके सभी मोटरसाइकिल्स को चुरा लूंगा। रात में सब जाग जाग कर मोटरसाइकिल की सुरक्षा करने में लगे रहे थे। कालू कौवा फॉगिंग मशीन लेकर आता है और उसे धुआं कर देता है। अब किसी को अपनी बाइक दिखाई नहीं दे रही थी, कोई कुछ नहीं कर पाया और कालू बाइक चुरा कर भागने लगा। तभी बबलू अपनी सोलार बाइक से तुरंत कालू कौवे का पीछा करने लगता है और जल्दी ही बबलू कालू की बाइक के पास पहुंच जाता है और उसे जोर से एक लात मारता है। कालू हिल जाता है और जोर से एक पेड़ से टकरा जाता है। बबलू अपनी सोलार बाइक से कालू को पकड़ने में कामयाब होता है और फिर उसे पुलिस स्टेशन लेके जाता है। अरे ये कौन सी नई बाइक है, काश मैं इसे चुरा पाऊं। ये मेरी सोलार बाइक है कालू चोर। वाह बबलू, तुमने तो बहुत बहादुरी दिखाई है और तुम्हारी सोलार बाइक तो रात में भी चलती है। तुम्हें मैं वादे के मुताबिक इनाम दूंगा। फिर अगले दिन पूरे जंगल के सामने बबलू को बाज पूरे 50,000 का इनाम देता है। पीलू ये देखकर बहुत खुश होती है। वाह बबलू, तूने तो मेरा नाम रोशन कर दिया बेटा, पूरे गांव में तेरी सोलार बाइक अब डिमांड में है। इस तरह से बबलू की बहादुरी का कारनामा पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो गया। उसके पास अब पैसा आने लगा और बबलू अपनी सोलार बाइक को ज्यादा से ज्यादा बेचने लगा। थोड़े दिनों के बाद बबलू की शादी हो जाती है और वो अपनी माँ और पत्नी के साथ हंसी खुशी रहने लगता है। ग्वालियर के जंगल में पीलू चिड़िया रहती थी। उसकी पढ़ाई इंजीनियरिंग में हुई थी। वो बहुत मेहनत और तेज दिमाग की चिड़िया थी। वो शहर में बहुत से बिजनेस को समझने के बाद खिलौने बेचने की दुकान खोलती है। पीलू बहुत वैरायटी के खिलौनों को बेचा करती थी। एक दिन गांव का प्रधान कड़क सेठ अपनी पत्नी बबली चिड़िया के साथ पीलू की दुकान में आता है। पीलू, हमने तुम्हारे खिलौने के बारे में बहुत सुने हैं, हमें कुछ इम्पोर्टेड खिलौने दिखाओ। हम कालू की दुकान में गए थे लेकिन हमें वहाँ कुछ पसंद नहीं आया। 10 दिन बाद हमारे घर में हमारी पोती की बर्थडे पार्टी है। रिटर्न गिफ्ट के लिए 50 खिलौने चाहिए और हमारी पोती के लिए सबसे अच्छा खिलौना उसे गिफ्ट के लिए, चाहे महंगा हो या सस्ता, खिलौना बढ़िया होना चाहिए। आप मेरी दुकान में आए ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कड़क सर। बबली मैडम जी, मैं आपको खिलौने दिखाती हूँ, आप जो पसंद करोगे उसका ऑर्डर दे दीजिए, मैं आपको डिलीवर कर दूंगी। इसके बाद पीलू उन्हें बहुत से खिलौने दिखाती है। कड़क और बबली उसे बहुत खुश होते हैं और बड़ा सा ऑर्डर और एडवांस देकर वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर कालू जल उठता है। उसकी पीलू की दुकान के सामने ही खिलौने की दुकान थी। ये कल की लड़की पीलू की दुकान पर कड़क सेठ इतना बड़ा ऑर्डर करके गया है, इसके कारण मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इसकी दुकान बंद करवानी पड़ेगी। रात में कालू कुछ बदमाशों को पैसे देता है। ये लो पैसे और पीलू की दुकान को तोड़ फोड़ कर कचरे का ढेर बना दो। फिर वो बदमाश पीलू की दुकान को पूरी तरह से तोड़ फोड़ देते हैं। अगले दिन पीलू अपनी दुकान जाती है। ये क्या हो गया है, मैं तो बर्बाद हो गई, पूरी दुकान ही उजड़ गई है। कौन आया था मेरी दुकान को तहस नहस करने के लिए, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, अब मैं इस नुकसान को कैसे झेलूंगी, कड़क सेठ का इतना बड़ा ऑर्डर मैं कैसे पूरा करूंगी। पीलू को रोता हुआ देखकर हरिया काका उसके पास आता है और कहता है, पीलू बेटी तुम निराश मत हो, हिम्मत रखो, अगर तुम अपनी मेहनत से अपने खिलौने की दुकान शुरू करके इतना अच्छा ऑर्डर ले सकती हो तो इस मुसीबत से भी बच कर निकल सकती हो। लेकिन काका, इस नुकसान के बाद मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं कड़क सेठ का ऑर्डर पूरा कर सकूं, और खिलौना बनाने की मशीन तो है नहीं कि खिलौने बना लूं। बेटी
मैं एक प्लास्टिक की फैक्ट्री का मालिक था। अब वो फैक्ट्री बंद पड़ी है। अगर तुम उस फैक्ट्री का इस्तेमाल खिलौना बनाने में कर सको तो। पीलू को हरिया अपनी फैक्ट्री लेकर जाता है। ये देखो बेटी, मैं पहले ये फैक्ट्री चलाता था, लेकिन मेरी उम्र होने की वजह से मैं काम करना बंद कर दिया हूँ। इन पुरानी मशीनों के साथ तुम कुछ कर लो। फिर 2 दिन की मेहनत के बाद पीलू उन मशीन के साथ खिलौना बनाने में कामयाब हो जाती है। वाह बेटी, तू बहुत ही होशियार है। आपका बहुत धन्यवाद काका। अब मेरे नुकसान की भरपाई हो चुकी है और अब मैं कड़क सेठ और बबली मैडम का ऑर्डर पूरा कर सकूंगी। लेकिन कालू फिर से उसे नुकसान पहुंचाने की सोचता है और वो उसकी फैक्ट्री में आग लगाने के लिए जाता है। लेकिन जैसे ही कालू उसकी फैक्ट्री के अंदर आग लेकर घुसता है, उस पर पानी की बारिश हो जाती है और जोर जोर से सायरन बज उठता है। कालू, तुम मेरी फैक्ट्री में आग लगाने के लिए आए थे? तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुमने ही मेरी दुकान को नुकसान पहुंचाए थे। कालू वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कड़क सेठ के आदमी उसको पकड़कर पुलिस में दे देते हैं। कड़क सेठ अपनी पोती के खिलौने की सिक्योरिटी के लिए गार्ड्स लाए थे कि अब कोई फिर से मेरी दुकान में हमला करके खिलौनों को नुकसान न पहुंचा पाए। इस तरह से पीलू खिलौनों की मशीन के साथ अपना ऑर्डर पूरा करने में कामयाब होती है। पीलू खिलौनों की मशीन से खुद से खिलौने बनाने लगती है। पीलू का बहुत जल्द बहुत नाम हो जाता है और बहुत फायदा होता है। हरिया काका, आपका बहुत धन्यवाद। मैं अपने कारोबार में बहुत तरक्की कर रही हूँ। बेटी, ये तेरी मेहनत का नतीजा है। और फिर पीलू की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री हो गई। पीलू अब हंसी खुशी रहने लगी। कलका नगर के गांव के जंगल में पीलू देवी काली की भक्ति करती थी। वो हर दिन काली देवी को भोग और फूल अर्पित करती थी और आरती और अगरबत्ती से पूजा करती थी। पीलू नाव चलाकर घर का खर्चा निकालती थी। पीलू के बूढ़े माँ बाप उसके साथ रहते थे। हे काली माँ, आप ही मेरी बेटी का ख्याल रखना। इसे अच्छा पति मिले, ये खुश रहे। इसकी तो नाव भी अब पुरानी हो गई है, मुझे बहुत चिंता रहती है इसकी। अगले दिन पीलू नदी में जाती है और तभी उसको जाबाज मिलता है। वो वहाँ का गुंडा था। पीलू, अब से तू यहाँ नाव नहीं चलाएगी, ये मेरा इलाका है। नदी किसी का इलाका नहीं होता जाबाज जी, मेरे घर में बूढ़े माँ बाप है, मुझे उनके लिए कमाना है। तू मुझसे अकड़ दिखाएगी तो तेरी खैर नहीं, कल से दिखना नहीं मुझे। पीलू ये बात जाकर काली देवी के सामने कह देती है और वो दूसरे दिन भी अपने नाव लेकर काम पर जाती है। और पीलू पूरे दिन नाव से काम करके शाम में पैसे लेकर घर जाती है। दूर से जाबाज उसको देख लेता है। ये पिद्दी चिड़िया पीलू, इसकी बहुत हिम्मत है मेरे सामने अकड़ दिखाने की, इसको तो मैं अच्छे से मजा चखाऊंगा। पीलू को रास्ते में जाबाज के गुंडे घेर लेते हैं और उससे पैसे छीन लेते हैं। हे माँ काली, ये क्या हो गया मेरे मेहनत की कमाई, ये तो गुंडे छीन कर ले गए। मेरे बूढ़े माँ बाप के लिए खाना और दवाई कहाँ से लाऊंगी। पीलू रोते रोते देवी के सामने सारी बात रखती है। अगले दिन पीलू फिर से काम में जाती है। जब वो लौट रही थी तब जाबाज उसको फिर से घेर लेता है। तुझे तेरी माँ पिताजी के साथ जंगल से बाहर भेज दूंगा पीलू, अब पूरे पैसे निकाल। नहीं, मैं तुझ जैसे गुंडों से डरने वाली नहीं हूँ, मेरी माँ काली मेरी रक्षा करेगी। लेकिन जाबाज नहीं रुकता और उससे पैसे छीन लेता है और उसकी पुरानी नाव भी तोड़ देता है। पीलू रोने लगती है और रोते रोते काली के मंदिर जाती है। माँ काली, मुझसे जो भी भूल हुई है उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन इसकी सजा मेरे माता पिता को नहीं दीजिए। काली माँ प्रकट होती है। बेटी, तूने कुछ भी गलत नहीं किया है, मैं तेरे साथ हुए अन्याय को जानती हूँ, अब तेरा कल्याण करने के लिए समय आ गया है। मैं तुझे एक ऐसी नाव भेंट दूंगी जो कभी किसी ने नहीं देखा होगा। काली देवी पीलू के लिए एक पैडल वाली नाव प्रकट कर देती है। अब तू निडर हो, मैं तेरी रक्षा के लिए आऊंगी। माँ, तुम
मुझे आशीर्वाद दो कि मैं तुम्हारी भक्ति से कभी नहीं भटकूं। मेरा आशीर्वाद है बेटी। और फिर वहाँ से देवी अंतर ध्यान हो जाती है और पीलू घर आकर सारी बात अपने माता पिता से कहती है। उसके माता पिता सुनकर हैरान हो जाते हैं और खुश भी हो जाते हैं। वाह पीलू, ये पेडल वाली नाव कहाँ से लाई हो? ऐसी नाव तो पूरी दुनिया में सिर्फ तुम्हारे पास ही होगी। ये देवी माँ काली का आशीर्वाद है हरिया काका। लेकिन बेटी, जाबाज तुझे इसका नुकसान न पहुंचा दे। जाबाज को काली माँ देख लेगी। वाह, ये नाव तो मुझे पसंद आ गई है। अब मैं ये नाव अपने कब्जे में कर लूँगा। जाबाज और उसके आदमी नाव की तरफ बढ़ते हैं। तभी वो लोग अचानक जमीन में पटकने खाने लगते हैं, जैसे उन्हें कोई फाड़ कर पीट रहा हो। ये क्या हो रहा है? देवी काली वहाँ प्रकट होती है। मेरी भक्त को सताता है अधर्मी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। काली देवी उन्हें जंगल के बाहर फेंक देती है। जय माँ काली, जय जय माँ काली। और उसके माता पिता देवी के आशीर्वाद से सुखी हो जाते हैं। पीलू को अच्छे से लड़के से शादी हो जाती है। अब काली देवी की भक्ति करते हुए पीलू अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। यह चूहे की बात सुनकर उस भिखारी को सदमा लगा और उसका दिल टूट गया। हाँ, मेरे ऐसे किस्मत क्यों है? मुझे नहीं पता, तुम जाकर आचार्य से पूछो, शायद आचार्य आपका सहायता कर सके। यह बात सुनकर एक गांव में एक भिखारी रहता था और वो घर घर जाके भीख मांग के खाना इकट्ठा करता था। मगर हर दिन वो जब वापस घर आता था तो उसका खाना गायब हो जाता था। मगर एक दिन इसकी खाना चुराने वाली चूहे को उस भिखारी ने पकड़ लिया। ओहो चूहे, तुम मेरा खाना क्यों चुरा रही हो? मैं तो एक भिखारी हूँ, जाकर अमीरों के खाना चुराओ। अरे ये तो मेरे भाग्य में है कि मैं तुम्हारे यहाँ से चुराऊँ। मगर क्यों? क्योंकि ये तो तुम्हारे भाग्य में है। तुम कितना भी भीख मांगो या कितनी भी इकट्ठा करो, मगर तुम इतना ही रख पाओगे। वह बात सुनकर वह भिखारी यात्रा पर निकल पड़ता है आचार्य को मिलने के हेतु। और ऐसे दिन भर चलते चलते और शाम को वह एक धनवान के घर पहुंच जाता है। बहुत थकान से वह वहीं पर रात बिताने की तय करता है। तो जाकर वह उस घर की दरवाजा खटखटाता है। ओ भाई साहब, अंधेरा हो रहा है और मैं इस जगह पे नया हूँ, क्या आपके आंगन में मैं रात बिता सकता हूँ? ठीक है, कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ। जैसे भिखारी अंदर आता है तो वह इंसान उसको पूछता है, अरे भाई कहाँ पर निकले हो और इतनी रात गए क्यों यात्रा कर रहे हो? ओ, मैं आचार्य जय सूर्या से मिलने चला हूँ, मुझे उनसे एक सवाल पूछना है। भिखारी की बात सुनते हुए वहाँ पे आई हुई उस धनवान की पत्नी पूछती है, क्या हम आचार्य से पूछने के लिए एक सवाल तुम्हें दे सकते हैं? ओ क्यों नहीं, बताइए मेम साहब, आपकी तरफ से मैं यह प्रश्न भी पूछ लूँगा। हमारी एक बेटी है जो बोल नहीं सकती, हम ऐसा क्या करें कि वो बोल सके? अगले दिन उठकर वह भिखारी उन्हें धन्यवाद कहता है और यह कहता है कि आचार्य से उनकी सवाल का हल जरूर पूछेगा और अपनी यात्रा जारी रखता है। और उसको सामने पहाड़ नजर आते हैं और वह चिंता करते हुए यह कहता है, हे भगवान, मैं इन पहाड़ों को कैसे पार करूं? तभी उसके सामने एक जादूगर दिखता है। भाई साहब, क्या इस पहाड़ को पार करने में आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्यों नहीं, मेरी छड़ी पर चढ़ जाओ। उसकी बात सुन के भिखारी उसकी छड़ी पर चढ़ जाता है और वह जादूगर अपनी छड़ी पे बिठा कर उस भिखारी को पूरी पहाड़ पार कराता है। उसके बाद उस जादूगर ने, अरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो? मैं आचार्य जयसूर्या से मिलके अपने भाग्य के बारे में पूछना चाहता हूँ। अच्छा, क्या मैं भी एक सवाल दे सकता हूँ आचार्य को पूछने के लिए? मैं कितने सालों से स्वर्ग जाने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरी शिक्षा के अनुसार अब तक मुझे स्वर्ग पहुँच जाना चाहिए था। मुझे स्वर्ग जाने के लिए क्या करना होगा, क्या ये सवाल पूछ सकते हो? हाँ हाँ, मैं आपका भी सवाल उनसे पूछूंगा। जैसे वो आगे चला जाता है तो एक नदी पार करने की रुकावट उसे मिलती है। ओहो, अब इस नदी को मैं कैसे पार करूं? तभी उसे एक बड़ा कछुआ मिलता है और उसे अपने पीठ पर बिठाकर नदी पार कराने की कोशिश करता है। जैसे नदी पार करते रहते हैं तो कछुआ पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं आचार्य जय सूर्य से मिलने जा रहा हूँ अपने भाग्य के बारे में पूछने के लिए, क्या मेरा भी एक सवाल पूछ सकते हो? क्यों नहीं, जरूर पूछूंगा। मेरा सवाल है,
मैं 500 सालों से एक ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरे शिक्षा के अनुसार अब तक मुझे एक ड्रैगन बन जाना चाहिए था। धन्यवाद प्यारे कछुए मुझे नदी पार कराने के लिए। भिखारी कछुए को धन्यवाद कहते हुए और आगे बढ़ता है। आखिरकार वह भिखारी आचार्य जयसूर्य के कुटीर पहुँच जाता है। हाँ, पहुँच गया मैं। अब तो मैं आचार्य जी से मिलकर ही रहूँगा। सबके सवालों को अपने जहन में सोचते हुए वह भिखारी अंदर पहुँचता है और आचार्य को सादर प्रणाम करता है। आचार्य, आप कृपया मेरा नमस्कार स्वीकार करें। मैं बहुत दूर से आया हूँ आपसे कई सवाल पूछने के लिए। क्या मैं पूछ सकता हूँ? बेशक पूछो वत्स, मगर मैं सिर्फ 3 सवाल का जवाब दे सकता हूँ। यह सुन के भिखारी हैरान रह गया क्योंकि उसके पास 4 सवाल थे। पर मेरे पास तो 4 सवाल है, मैं क्या करूँ? यह सोचते हुए बहुत आलोचना करता है। पहले वो कछुए के बारे में सोचता है जो 500 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश में नदी में रह रहा है। बेचारा कछुआ गहरे नदी में कैसे जी पाएगा? फिर वो जादूगर के बारे में सोचता है जो हजारों सालों से स्वर्ग जाने की कोशिश कर रहा है। ओहो, 1000 साल तो बहुत लंबे होते हैं, उसे तो स्वर्ग जाना चाहिए। उसके बाद वह लड़की के बारे में सोचता है जो पूरी जिंदगी बिना कुछ बोले जी रही है। हाँ, पूरी जिंदगी बिना कुछ बोले जीना ये तो असंभव है। फिर वो अपने बारे में सोचता है। मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं जहाँ भी भीख मांग सकता हूँ, मेरे लिए कुछ नहीं बदलेगा, मगर उन लोगों के लिए बहुत कुछ बदल सकता है। यह सोचते सोचते उसको अपनी समस्या दूसरों से छोटी लगने लगी और इसलिए उसने उन तीनों की सवाल पूछने की फैसला किया। कछुआ ड्रैगन बनने के लिए अपने ढांचे से बाहर आना होगा। उसने मोह त्याग दिया तो वो जरूर ड्रैगन बनेगा। भिखारी की पहले प्रश्न को तो उत्तर मिल गया। दूसरे प्रश्न भिखारी पूछता है जादूगर के बारे में, तो आचार्य ऐसे उत्तर देते हैं। जादूगर को छड़ी की मोह छोड़ना पड़ेगा, छड़ी के ऊपर उसका मोह ही उसे स्वर्ग जाने से रोक रहा है। जादूगर का भी हल मिलने के बाद वह लड़की के बारे में प्रश्न पूछता है। तो बिना बोलने वाले लड़की का क्या? लड़की जरूर बोल पाएगी जब वो अपने हमसफर से मिलेगी। धन्यवाद आचार्य जी। आचार्य जयसूर्या उसको आशीर्वाद देते हैं और मुस्कुरा के उसे विदा कर देते हैं। वह भिखारी आचार्य को प्रणाम करके अपने घर के ओर निकल पड़ता है। नदी के पास वह कछुआ भिखारी को फिर से मिला। क्या तुमने मेरे सवाल का जवाब पूछा? हाँ हाँ, बस तुम अपने ढांचा निकाल दो और ड्रैगन बन जाओगे। कछुआ अपने ढांचा निकाल देता है। उस ढांचे के अंदर बहुत सारे कीमती मोतियाँ थी और ड्रैगन कहता है, इन्हें तुम रख लो, मेरी तरफ से तुम्हें धन्यवाद। भिखारी को सारी मोती देते हुए कछुआ ड्रैगन बन के उड़ जाता है। जैसे ही पहाड़ तक पहुँचता है भिखारी, तो वो जादूगर फिर से उसे मिलता है। अरे जादूगर, आप अपने छड़ी नीचे रख दो, स्वर्ग की दरवाजे आपके लिए खुले हैं। सच में? ऐसे जादूगर छड़ी भिखारी को दे देता है और स्वर्ग की तरफ चल पड़ता है। अब भिखारी के पास कछुए के दिए हुए मोतियां हैं और जादूगर की छड़ी। वह भिखारी वापस उस परिवार के पास पहुंचता है जिसने रात को सहारा दिया था। वह परिवार भिखारी को देखकर खुश हुए और अपने सवाल की जवाब सुनने के लिए कातुर थे। आचार्य जी ने कहा है कि जब आपके बेटी अपने हमसफर से मिलेगी तब बोल पाएगी। तभी उस परिवार की बेटी नीचे आई और बोली, क्या ये वही आदमी है जो पिछले हफ्ते भी यहाँ आया था? उस लड़की की माता पिता हैरान हो गए और वो भिखारी की तरफ देखते हैं और तय करते हैं कि यही इस लड़की की हमसफर है। माता पिता ने इन दोनों की शादी तय कर दी और वो हमेशा खुश रहे। आचार्य जयसूर्या अपने पर्यटन के दौरान गांव-गांव जाके वहां के लोगों को अपने प्रवचन से अच्छी बातें सिखाते थे। आचार्य के मधुर वाणी और सत्य विचार से वहां के लोग बहुत प्रभावित होते थे। आचार्य के विचारों को अपने जीवन में लागू करके बहुत सारे लोग सद्गुणी बन गए थे। एक दिन पंढरपुर में आचार्य का प्रवचन चालू था। सज्जनों, अगर हम किसी का बुरा चाहते हैं तो हमारा भी बुरा होगा। अगर हमारे विचार अच्छे रहेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। कितना सीधा साधा है यह विचार। आचार्य की प्रवचन चालू था तो तभी वहाँ पे एक आदमी आके पहुँच जाता है और आचार्य के पैर पे
साष्टांग नमस्कार करते हुए यह कहता है, आचार्य जी मुझे बचा लीजिए, मैं तो आपकी शरण में आ गया हूँ। अरे मैं कौन होता हूँ तुम्हें बचाने वाला, हम सब की रक्षा तो परमेश्वर करता है। आचार्य जी आप ऐसा मत कहिए, हमने देखा है आपकी वाणी से बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी संवार चुके हैं, सब आपकी नाम की जपमाला जपते हैं। अच्छा बंधु आपका समस्या क्या है बताओ। मैं एक डकैत हूँ। तभी सभा में बैठे सारे लोग एक दूसरे के कानों में खुसर पुसर करने शुरू कर देते हैं। अरे मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ये डाकू है। अरे मैं सोच रहा था मेरी अंगूठी कहाँ गई, इसी ने चुराया होगा। अरे ये डकैत अगर हमारे गाँव में आ गया तो किसी की खैर नहीं। लोगों की खुसर पुसर सुनते ही वह डकैत बोलता है, अरे मैंने जिंदगी बहुत देख ली है आचार्य जी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने लोगों को लूट कर जमाया हुआ धन मुझे रात को नींद नहीं करने दे रहा है। अरे तुम्हारे कर्मों का तुम्हें पश्चाताप है तो तुम्हारी समस्या क्या है? आचार्य जी मैं ये सब छोड़ के सीधी साधी जिंदगी जीना चाहता हूँ, इसीलिए आपकी शरण में आया हूँ, मुझे मार्गदर्शन कीजिए। आचार्य डकैत की दुविधा समझते हैं और उसे कहते हैं, अरे वो तो बहुत ही आसान है, आज से अपना कुकर्म छोड़ दो और ये मन में ठान लो और उसी के पथ पे चल पड़ो। धन्योस्मि आचार्य जी, जो आपने कहा मैं उसी पथ पे चलूंगा। आचार्य जी अपने प्रवचन उस गाँव में खत्म करके दूसरे गाँव तीसरे गाँव ऐसे ही पर्यटन करते रहे। तो एक दिन वही डकैत फिर से आचार्य जी से मिलता है। आचार्य आपने जो कहा था उस रास्ते पे चलने की मैंने बहुत कोशिश की, मगर क्या करे मेरे हाथों को चोरी करने की आदत हो गई है, छूट ही नहीं रही है। आचार्य कोई दूसरा उपाय बता दीजिए ताकि मैं भी अच्छा इंसान बनके जिंदगी बिता सकूं। आचार्य हंसते हुए कहते हैं, अच्छा ये बात है, तुम आदत से मजबूर हो तो ठीक है, तुम हर दिन अपने ही काम करते रहना, मगर तुम जो भी काम करोगे उसे मेरे प्रवचन में आके बताते रहना, तब तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। आचार्य की बात को सुन के डकैत को अच्छा लगा तो कहता है, अरे ये तो आसान है, मैं चोरी भी करूँगा मगर पाप भी मुझे नहीं लगेगा, आज से ही मैं जो भी चोरी करूँगा आपके प्रवचन में आके सबको बता दूंगा। ऐसे कह के डकैत वहाँ से निकल जाता है और कितने ही दिन बीत गए मगर डकैत वापस नहीं आता है आचार्य के पास। तभी अचानक एक दिन आचार्य के शिष्य को उसकी याद आती है और शिष्य कहते हैं, गुरु जी कितने दिन हो गए लेकिन वो डकैत तो आज तक आपके पास वापस आया ही नहीं, तो इसका मतलब आपका बताया हुआ बातों से उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं हुआ क्या? ऐसा नहीं है मेरा शिष्य, उस पर प्रभाव हुआ है तभी उसी ने वापस नहीं आया। मेरा कहना है उसने चोरी करना छोड़ दिया होगा इसीलिए उसने यहाँ नहीं आया है, वरना वो कभी का आ जाता। मगर गुरु जी ये कैसे हो सकता है? उस डकैत को अपने चोरी करना छोड़ने की लालच थी। चोरी करना बहुत ही आसान है शिष्य, लेकिन उसे सबके सामने ऐलान करना, अपने आप को उससे प्रायश्चित करना बहुत ही कठिन होता है, और यह बात उसे समझ में आ गया है, और अच्छे काम करने की बातें मेरे पास आके बताने की वजह भी नहीं है, और इसीलिए मुझे तो विश्वास है वो डाकू सुधर गया होगा। ऐसे कह के आचार्य अपने शिष्य को विवरण देते हैं। और एक दिन आचार्य की प्रवचन चल रही थी तो उसी गांव में रहने वाला वह डकैत आचार्य को मिलने आया और आचार्य से कह रहा है, आचार्य आपकी वाणी ने मेरे जीवन की पथ ही बदल दी, मैं अब जिंदगी से बहुत खुश हूँ, उस दिन से आज तक मैंने एक भी चोरी नहीं की, भले ही मैं कुछ दिन भूखा था मगर आज मैं कष्ट से अपनी जिंदगी को संवार रहा हूँ। कहते हैं ना श्रम का फल मीठा होता है, तो मुझे भी यह श्रम बहुत आनंद दे रहा है, आपके आशीर्वाद मुझ पर सदा ऐसे ही बने रहे आचार्य। ऐसे कह के साष्टांग नमस्कार करता है। यह बातें सुनकर आचार्य के मन भी बहुत प्रसन्न हुआ और वह डकैत को कहते हैं, अब तुम्हें कोई प्रायश्चित की जरूरत नहीं है, अब तो तुम सदाचारी बन गए हो, तुम सदा सुखी रहो। ऐसे कहते हुए आचार्य अपने प्रवचन के लिए अगले गांव निकल पड़ते हैं।